तो बीटीसी और ऑल्ट्स का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल चल रहा है। कल रात से यहाँ पे फॉल कर रहा है बीटीसी, उसके साथ ऑल्ट कॉइन में भी एक जबरदस्त फॉल हमें देखने को मिल रहा है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्योंकि आज जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तो बीटीसी का प्राइस 54,000 को टच करके आया है, तो कितना और गिर सकता है, कहाँ पे ये जाके गिरावट है वो रुकेगी, क्योंकि दो तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे, दो तीन बड़ी न्यूज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उस वजह से जो है बीटीसी गिर रहा है, और ऑल्ट कॉइन्स क्या आपके डेड हो चुके हैं इस बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो 70% तक डाउन हो चुका है। इवन कि आप बड़े प्लेयर्स का भी देखोगे ना, जो बड़े इन्फ्लुएंसर है उन सभी का भी डाउन हो गया। वेल्स भी जो है इस गिरावट में शामिल हो चुके हैं, उनके पोर्टफोलियो भी डाउन हो चुके हैं। ऐसा क्या हुआ मार्केट में? उसके साथ हैमस्टर कॉम्बैट की जो लिस्टिंग है इस महीने, क्या वो वाकई में होगी? आपके लिए एक बुरी खबर है, बहुत मुश्किल है इस महीने जो है हमें लिस्टिंग नजर आए। मैं आपको बताऊंगा क्यों, ऐसा क्या हुआ है मार्केट में कि हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग भी मुश्किल होगी। तो ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम लोग हर एक तथ्य के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। उसका रीजन ये है कि कोई भी चीज अछूती नहीं है इस गिरावट से, सब चीजें फंसेंगी, सब लोग फंसेंगे, क्योंकि यहां पे जब भी बीटीसी गिरता है तो सबको अपने साथ लेके जाता है, वही चीज हमें अब मार्केट में नजर आ रही है। तो यही सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेक श्योर लाइक करना मत भूलना, और पहली बार देख रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। तो इस टाइम बीटीसी काफी नीचे आ चुका है, 54 को टच करके आ चुका है, और 57 का जो लेवल था इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको सुबह बताया था, वो भी टूट चुका है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 52 तो नज़र आ रहा है यहाँ पे जाता हुआ बीटीसी आराम से, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। अब यहाँ पे आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा, अगर आप ट्रेडर हो किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, प्लस अगर आप यहाँ पे जो इन्वेस्टर हो, आपका पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। बीटीसी तो लगातार गिर रहा है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले ऑल्ट्स के बारे में बात करते हैं। भाई ऑल्ट्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। एआरबी को आप देखोगे भाई, ये उस लेवल पे आ गया जहां से ये लिस्ट हुआ था, मतलब ये डेफिनेटली 50 सेंट को टच करने वाला है, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सोलाना को टक्कर दे सकता है आने वाले टाइम में। उस तरीके का प्रोजेक्ट की ये हालत देखी नहीं जाती, इतना बुरा हाल हो गया एआरबी का। ठीक है, उसके बाद टिया के बारे में बात करते हैं। टिया देख लो, इतना मजबूत प्रोजेक्ट है ये, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है, इसमें सब लोगों ने वेल्स में भी जो है लॉस कर बैठे हैं। यहाँ पे क्यों कर बैठे हैं? क्योंकि ये अपने उसी लेवल पे आ गया जहां पे लिस्ट हुआ था, और $2 तक भी जाने की संभावना है इसकी। अभी अगर आप देखोगे तो $4.5 पे ट्रेड कर रहा है ये, तो इसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और ये प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्ट्स में आता है। आप मेरे से एग्री करोगे कमेंट बॉक्स में बताना। उसके साथ एसटीएक्स के बारे में बात करें, भाई इसकी हालत भी इतनी खराब हो गई है, ये स्केलेबिलिटी देता है बिटकॉइन को, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इस बुल रन में इसने 3x 4x तो आराम से भी दे ही दिया था लोगों को, और उसके बाद ये हाल हो गया कि ये भी वहीं पे पहुंच गया जहां पे ये 2023 के अंदर था, उसी एरिया के पास पहुंचने वाला है। तो यानी कि ऑल्ट्स की हालत आप समझ सकते हो, जो इतने स्ट्रांग प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिखाए जिसमें हर एक बंदा कहता था कि बाय करो ये सेफ हैं, वो भी अछूते नहीं रहे हैं, क्योंकि बीटीसी गिरा है भाई। बीटीसी जब गिरता है तो सारी चीजें लेके साथ गिरता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है इस बारे में बात करते हैं। पहली बात तो देखो, लास्ट 60 मिनट्स के अंदर यानी एक घंटे के अंदर 110 मिलियन की लिक्विडेशन हमें देखने को मिल चुकी है, और अगर आप रात भर से ले लोगे तो 1 बिलियन के ऊपर चलेगी ये। एम्प्टी गॉग्स जो कि सबको पता है, यहाँ पे एम्प्टी गॉग्स का जो है इतना ज्यादा फड चल रहा है मार्केट में, 47,000 बिटकॉइन जो है अभी इन्होंने ट्रांसफर करी है, जहां पे ये लोग जो है रिटर्न करने वाले हैं लोगों को, और ये और इसकी वैल्यू बनती है 2.71 बिलियन की, बहुत बड़ी रकम है ये। इस वजह से, इस फंड के कारण जो है मार्केट गिर रहा है, चाहे लोग अभी अपने बेचे भी ना, ये 47,000 बिटकॉइन चाहे मार्केट में बिकने भी ना आए, तब भी इस फंड को इतना ज्यादा लिया जा रहा है कि लोग डर रहे हैं। उसके साथ जर्मन गवर्नमेंट जो कि एक हफ्ते से बिटकॉइन बेचती हुई नजर आ रही है, इस वजह से ये सारी चीजें जब मिल गई हैं यहाँ पे, हमें देखने को मिल रहा है फॉल बीटीसी के अंदर। और अब ऐसा टाइम आ गया है कि पहले तो मैं आपको कल के दिन बोल रहा था बी केयरफुल रहना, कि जब बीटीसी ब्रेक करेगा 57,000 को, वैसी हमें जो है डोमिनेंस अप होती हुई नजर आएगी, और वैसा ही हो रहा है, डोमिनेंस बहुत तेजी से अब जा रही है, अभी थोड़ा सा नीचे आई है। ऑब्वियसली डोमिनेंस इसलिए यहाँ पे ज्यादा ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि ऑल्ट्स में वैसे भी कुछ नहीं बचा,
आप ये देखो ना कि ये अपने ऑल टाइम लो पे आ गए हैं, मतलब जहां से ये शुरू हुए थे वहीं पे आ गए, ऐसा हमें देखने को बहुत कम मिला है, बट ऐसा हुआ है स्ट्रॉन्ग ऑल्ट्स के साथ भी। यानी कि इस बार जो है बहुत तगड़ी मैनिपुलेशन हो रही है। और फियर एंड ग्रीड को देखोगे तो आज के दिन 29 पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत हालत खराब है पूरी मार्केट की। अब अगर आप ये पूछोगे कि रॉनी भाई हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए, मेरे हिसाब से यस, अगर आपके पास यहाँ पे पैसा पड़ा है ARB बाय करो, TIA बाय करो, STX बाय करो, क्योंकि ये फॉर द टाइमिंग है। हो सकता है ट्रेंड कभी भी बदल जाए, क्योंकि BTC जिस तरीके से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं हुआ इतिहास में, हमेशा BTC ने वापसी करी है और वो बहुत ज़ोरदार वापसी है। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए। तो मैं तो आपको ये बोलूँगा, मैंने जो यहाँ पे सूझबूझ के साथ यहाँ पे पैसा लगाया था मार्केट में, और मैं स्टिल यहाँ पे बाय करूंगा क्योंकि मेरे पास फंड पड़ा हुआ है। मैंने बहुत ज्यादा फंड नहीं लगाया बाकी इन्फ्लुएंसर की तरह यहां पे $50,000 $30,000, ताकि मेरे पास कुछ बचे ही ना। मैंने बहुत लिमिटेड सा फंड लगाया, जितना मेरे पास फंड पड़ा था उसका सिर्फ मैंने यहां पे 10% मार्केट में डाला था, ताकि यहां पे कुछ भी पैनिक वाला हो तो मुझे यहां पे प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से मैं चला था। उसके साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अब ये देखो ऑफ द टॉपिक है बट इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। देखो मैं कल रात से आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे प्रीमियम ग्रुप है जिन्होंने लॉन्ग का ट्रेड दिया था और बिना सोचे समझे लॉन्ग दिया था और काफी लोगों का लॉस हुआ है। अब आप बोलोगे रॉनी भाई आपको कैसे पता, मेरे प्रीमियम ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे जो है प्रीमियम्स ज्वाइन करे हुए हैं, सबके प्रीमियम, ठीक है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बट सबको पता है कि यहाँ पे लिक्विडेशन हुई है। काफ़ी लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग दे दिया, खुला लॉन्ग दे दिया और वहाँ पे उन्हें बोला कि आप होल्ड करो और लोगों को लिक्विडेट करवा दिया। तो ये बहुत ही गलत तरीके की ट्रेडिंग है, मैं इसके खिलाफ हूँ। हमने ये एक्सपीरियंस किया है, हमने भी ये पास्ट में गलती करी अपने प्रीमियम में, बट हमने उसको सुधारा और टीम के साथ मैंने यही बात करी थी पास्ट के अंदर, जो हमने 6 महीने 7 महीने पहले गलती करी थी, जब बिटकॉइन डाउन गया तो हमने बाय करा और डाउन किया, बाय करा और डाउन किया, ऐसे ये गलती हमने इस बार ही नहीं करी। हम सिर्फ यहाँ पे स्कैल्प करते रहे। अगर आप 2-3 महीने से देखोगे जाके, हम लोग कोई भी स्पॉट कॉल नहीं दे रहे अपने प्रीमियम में, प्लस हम लोग ना ही कोई स्विंग ट्रेड दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हमें यहां पे डाउट था और ना ही हम DCA करवाना चाहते थे अभी, तो हमने ये सारी चीजें करी प्रीमियम में। अगर आप कोई भी हमारा मेंबर है प्रीमियम से, या किसी का भी लॉस हुआ है किसी के प्रीमियम में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जानना बहुत जरूरी रहेगा। ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं अपने भाइयों को समझाना चाहता हूं कि हम लोग पास्ट में ये प्रीमियम में गलती कर चुके हैं, बट हमें 1.5 साल हो चुका है प्रीमियम को चलाते हुए, उसके बाद हमने कभी भी ये गलती नहीं करी, ना ही कोई ट्रेड होल्ड करने के लिए दिया। स्विंग ट्रेड भी हम तब देते हैं जब मार्केट यहां पे स्टेबल होती है, ऐसी मार्केट में पागल होगा जो स्विंग ट्रेड देगा प्लस यहां पे बाय करवाएगा, वो भी खुला बाय, कि भाई आप बीच में कोई स्टॉप लॉस लो ना, आप DCA करते रहो, ऐसे नहीं होता भाई। जब मार्केट फॉल करती है क्रिप्टो मार्केट तो बहुत गंदा करती है, तो ये चीज याद रखना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये मुद्दा उठाना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं अपने भाइयों को समझाना चाहता हूं कि भाई आप लोग अगर ये गलती कर रहे हो मत करो, ये मार्केट के साथ खिलवाड़ है और लोगों के साथ भी खिलवाड़ है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज को सुधारा है। प्लस हम लोग अब बात करते हैं हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में। तो इस महीने होनी है हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग, क्या इस महीने होगी हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग? मेरे हिसाब से 95% चांसेस है कि नहीं होगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इस तरीके की मार्केट के जो हालात है ना, यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट आना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर हैमस्टर कॉम्बैक्ट आता है इस मार्केट में तो उसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा और उसका प्राइस जो है उसके कॉइन का अच्छा खासा गिर सकता है। वैसे भी यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलेगा लोगों को, तो वो और ज़्यादा डंप मिल जाएगा मार्केट की वजह से। तो मुझे नहीं लगता इस महीने लिस्टिंग होगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है 99% यहाँ पे लिस्टिंग नहीं होने वाली। बड़े ध्यान से सुनना, 99% कोई प्रोजेक्ट यहां पे लिस्ट नहीं होगा अगर ये मार्केट के हालात रहे। हाँ, अगर मार्केट के हालात सुधर जाते हैं, 60,000 के ऊपर आ जाता है BTC, सडनली एक पंप आता है बहुत तेजी से, तो मैं कह सकता हूं यहां पे लिस्टिंग के चांसेस रहेंगे, 15 से 30 तारीख के बीच में लिस्टिंग होगी। अगर यहां पे मार्केट के हालात ऐसे ही रहते हैं तो कोई लिस्टिंग हमें नहीं देखने को मिलेगी। इवन की मीम FI, पिक्सल वर्स, कोई भी आप माइनिंग कर रहे हो, सब में यहां पे लिस्टिंग नहीं होने वाली।
कोई भी प्रोजेक्ट जो है ऐसी मार्केट में लिस्ट नहीं होना चाहेगा। तो ये अपडेट है हैमस्टर की तरफ से, और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा हैमस्टर पे। बट आप एक बात अपने कानों में दिमाग में घुसा लेना कि ये महीना लिस्टिंग का नहीं हो सकता, बहुत ही खराब महीना जा रहा है हर एक ऑल्ट कॉइन के लिए, हर एक प्रोजेक्ट के लिए, तो यहाँ पर लिस्ट होना बहुत मुश्किल है। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो, ट्रेडर हो, तो ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करो, इसका लिंक भी मिलेगा। 43,000 मेंबर्स हैं अभी इस टेलीग्राम में। और अगर आप एयरड्रॉप में शामिल होना चाहते हो, एयरड्रॉप वाला चैनल यूज़ करना चाहते हो, तो उसका भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ये है फ्लिप एयरड्रॉप, तो इसको ज्वाइन करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोनों टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नए प्रोजेक्ट जितने भी आते हैं एयरड्रॉप के, सारे प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।